अस्थमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से हैं परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। सिवान के चर्चित क्रिकेटर और रघुनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को राजद नेता तेजस्वी यादव सिवान आए हुए थे और मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने राजद के मंच से राजद की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद से कुछ मीडिया में उन्हें गलत तरीके से बदनाम किया गया, गलत गलत केस में उनका नाम घसीटा गया। बता दें कि मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के बारे में ये खबरें चली कि वे राजदेव रंजन पत्रकार हत्याकांड से जुड़े हुए हैं और उन्हें शार्प शूटर तक कहा गया। ऐसे में मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी कि राजदेव रंजन पत्रकार हत्याकांड में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, सीबीआई से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है और इस दौरान वे मीडिया पर काफ़ी भड़के हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि जिस मीडिया चैनलों के द्वारा इस तरह की खबरें प्रकाशित की गई है, इस तरह की खबरें चलाई गई है, उन पर वे कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं दो दिन से बहुत परेशान हूँ कि भाई जो चीजें खत्म हो चुकी है आखिर उसको ले जाने का क्या मतलब। मुझे जो शार्प शूटर का आरोप लग रहा है, मैं उनको बता दूं कि ये शार्प शूटर कब से लगा, 2016 में लगा जब राजदेव भाई की हत्या हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजदेव भाई का जो हत्या हुआ और उस हत्या में सबसे जरूरी चीज ये आपको मैं बता दूं कि राजदेव भाई का केस का स्टेटस आप पहले निकाल लीजिए कि इस केस का स्टेटस क्या है। जितने भी आरोपी थे वो सब जेल में हैं और जो 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराजे मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। जो ये कान जो महान लोगों को जो इसमें महान लोग आरोपित हैं उनको आप बता नहीं रहे कि भाई ये साफ सुटर कौन है, किसने हत्या की, आप तो उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस पूरे प्रॉब्लम में लगातार 100 से ऊपर गवाही गिर चुकी है, इस केस में कहीं भी कुछ है ही नहीं। जब CBI भारत का सबसे बड़ी संस्था कौन है, CBI ने मुझे इस चीज से बाहर करके रख दिया है। उसके बावजूद भी आप मीडिया के द्वारा हर दम मुझे साफ सुटर का उपलब्धि दिया जाता है और फिर वही 8 साल के बाद लाया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं साफ सुटर होता तो बच्चे को क्रिकेट सिखलाता, मैं अगर साफ सुटर होता तो मैं सम्मान समारोह कराता, मैं अगर साफ सुटर होता तो क्या कोरोना काल में जितनी मेहनत मैंने किया है ये साफ सुटर का के ये काम है। अगर आप लोग साफ सुटर बना के पुलिसिया विभाग में पुलिस के सामने, मैं आम आदमी हूं, इंसानों के बीच में आम आदमी हूं और आप लोग मुझे लगातार ट्रोल करके, क्या मुझे खिदमत करने का, राजनीति करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है? मुझे अधिकार नहीं है? जब मुझे 2016 में जब मेरी माँ उठ रही थी तो उस वक्त आप लोग ट्रोल कर दिए, मेरी माँ वार्ड पार्षद, और मैं 2 बार इस मोहल्ले वार्ड पार्षद की मेरी माँ जनता प्रतिनिधि और मुझे सेवा करने का क्यों नहीं हक है, आखिर मेरी क्या गलती है? और जिस चीज के आपने लगाया है, जिसके नाम से मुझे लगाया है कि मैं साफ सुटर हूं, उनके साथ मेरे एक भी केस बता दीजिए, एक केस जिनके नाम से आप बोलते हैं मैं के साहबदीन साहब का साफ सुटर हूं, तो आप एक भी केस उनके साथ नाम जोड़ के बता दीजिए कि कहां मेरा केसेस है। अगर आप नहीं बताइएगा कि किस आधार पर मुझे साफ सुटर बना रहे हैं, जितने भी केसेस हम पे हुई हैं सब बेबुनियादी और फंसाने का और मेरे राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का काम किया गया है। और मुझे अब जो आज हुआ है, इतने दिनों में जब मैंने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया तभी मैं गुनहगार हूँ। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है।
जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। हो गया तभी मैं शार्प शूटर हो गया। आखिर क्यों भाई, आखिर क्यों मुझे सॉफ्ट कर्नल बना के हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। भाई मैं उनसे इंस्पायर हुआ, हमारे लोग इंस्पायर हुए, हमारे लोग ने कहा इससे ये गरीब गुर्जा की पार्टी है जो तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, 17 सालों में जो काम नहीं कर पाए वो 17 महीनों में कर दिए। मैं उनसे इंस्पायर होकर फिर से उनके साथ चलने का काम किया। देखिए कुछ भी हो जाए, अगर बच्चों को क्रिकेट सिखाना शार्प शूटर है, लोगों की मदद करना साफ शूटर है, और ऐसे से केस अगर आता है, अग्निवीर में मैं जेल चला गया, अब बताइए अग्निवीर में क्या साफ शूटर जेल जाते हैं, और वहां भी फंसाने का काम किया गया। मैं गया था उन लोगों को समझाने, एसडीओ माथुर साहब बैठा जी थे, आप उनसे बात करके पूछ लीजिएगा, उसके बावजूद भी आखिर क्यों भाई क्यों, आखिर मेरी क्या गलती है। सवाल एक यहां बनता है कैफ जी की, अपने एक बात, तेजस्वी यादव जी एक उभरते हुए आइकन बिहार के और बहुत ही तेज तरार से चल रहे हैं। जो वो गाड़ी निकाले हैं कि जन विश्वास यात्रा का, मैं उनको बोलता हूं कि वो गाड़ी जन विश्वास नहीं है, वो रोजगार विश्वास यात्रा का है वो गाड़ी। मैं ये अपने तरफ से कह रहा हूं, जो मुझे लगा, और जो उन्होंने लगातार परिवर्तन की बात कर रही है, तो जब परिवर्तन की बात कर रही है तो वो सारे चीजों को छोड़ने की बात कहा जा रहा है। ये रेस के सिर्फ यही, जहां पे लोगों ने वो धब्बा लगाया, जंगल राज का धब्बा लगाया, वो छोड़ने की बात कर रहे हैं, और जो लड़के को रोका गया था उनको बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार को व्यवस्था को बढ़िया करने की बात कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं। लेकिन मुझे सॉफ्ट कर बना के मैं कौन सा गुनहगार हूं भाई? आप जो चीजें हमको बना के दिखा रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव के मंच पे मोहम्मद कैफ दिखा, तो भाई मंच पे नेता नहीं दिखेगा तो कौन दिखेगा? और मैं बार बार कहता हूं, अगर आप हमें प्रूफ नहीं देंगे कि मैं सावधी साहब के साथ एक भी मेरा केस अगर उनके साथ जोड़ दिया जाएगा, एक भी केस में उनके साथ आप दिखा दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। किसके द्वारा आपको टारगेट किया जा रहा है भाई? ये विरोधियों के द्वारा, जो मैं यहाँ पैठ बना रहा हूँ, जिनको बहुत चिंता है, वही तो कल से ये ट्रोल करा रहे हैं उन्हीं के उन्हें। आप सोचिए कि जो चीजें हो रही आखिर क्यों हो रही, 8 साल के बाद क्या हो? आप सभी मीडिया कर्मी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, मतलब क्या होगा? ये तो वही बताएंगे जो दे रहे हैं शार्प शूटर। मैं शार्प शूटर नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा मैं शार्प क्रिकेटर हूं, मैं शार्प क्रिकेटर हूं, और मैं एक समाज सेवी हूं। मैं ये जरूर कह सकता हूं मैं शार्प शूटर बिल्कुल ही नहीं हूं। और जो कह रहे हैं, मैं कल एडवोकेट साहब से मिल के आया हूं, मैं उनके खिलाफ लीगल नोटिस करूंगा कि कहां से मेरी बात को खत्म होने, कहां से मुझे ये साफ शूटर की उपलब्धि मिला। सादीन साहब के साथ जो मुझे मैं साथ था, कि उनके केसेस में एक भी नाम बता दीजिए कि कहां मेरा नाम जुड़ा हुआ है। मेरी क्षति, मेरी छवि को धूमिल की जाती है, मेरा परिवार बहुत ही आहत में है, मेरे परिवार परेशान है कि आखिर ये चीज क्यों बार बार लाया जा रहा है, व्यक्ति एक ही व्यक्ति को सिर्फ क्यों लेके गया जा रहा है, और लोग नहीं है जो भी न्यूज वाले पोर्टल न्यूज वाले मेरे इस छवि को दिखाए हैं और साफ शूटर लिख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां से ये साफ शूटर वर्ड मेरे पास क्यों? पूरे कौन सी पार्टी है जिसमें अपराधी छवि के लोग नहीं है? कौन से लोग हैं बताइए आप? कोई पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, आप जिस तरह का नाम लेते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो जो भारत में है, जिनके नेताओं में, अरे अभी तो आप देखे होंगे कि किस यूपी में एक यूपी बीजेपी के नेता ने सरेआम किसानों को कुचल दिया। अभी आप देखे होंगे जो यूपी में जो ओलंपिक के सिल्वर मेडल वालों का क्या हाल हुआ, आप देखिए किनके आरोप थे, क्या वो दूसरे थे? मतलब जो बीजेपी में जाता है वो गंगा नहा लेता है, हरिश्चंद हो जाता है, और बाकी जो पार्टी में जाता है वो सब। सवाल यह है सर कि किसी पे आरोप लगना और साबित होना दोनों अलग अलग चीजें, बिल्कुल ही बात है। कोर्ट साबित नहीं करेगी, कोई कैसे कह सकता है कि आप अपराधी हैं या कोई है? यही बात तो मैं कह रहा हूं, आप सिवान के एक एक मीडिया कर्मी जो हमको बहुत नजदीक से जानते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं साथ हूं तो क्या आप मेरे साथ होते? आपके साथ भी तो मेरा सेल्फी है, आपके साथ भी तो हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सब काम करते हैं। शार्प, अभी बहुत सारे लोग लाइव भी है, लाइव पे दर्शक भी आपको देख रहे हैं। शार्प शूटर का मतलब होता है कई सारे हत्या करने वाला,
पैसा लेकर हत्या करना है, आपके ऊपर कितने मामले दर्ज है जरा जनता को? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ऊपर जितने भी मामले हैं वो सारे बेबुनियादी है, मोहल्ले के झगड़े वाला मामले हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, तो इसका मतलब साफ सुथरा बना दीजिएगा। साफ सुथरा सुनिए, साफ सुथरा मतलब प्रोफेशनल बनना। और मेरी प्रोफेशनल क्या है, जरा मेरे बगल देख लीजिए, जरा मेरे दाहिने देख लीजिए, मेरे ऊपर देख लीजिए, मुझे कब मौका मिला कि मैं साफ सुथरा, इतने ट्रॉफी जीतने के लिए तो फुर्सत ही नहीं है। मैं 6 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह शाम प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो कब आप, मैं भी मीडिया कर्मी से चाहूंगा कि मेरे ये साफ सुथरा का उपलब्धियां दिखला, जो सर्टिफिकेट जो हमको मिला है, मैं चाहूंगा कि ये जरा एक बार दिखला दीजिए कि जो मुझे सर्टिफिकेट मिला है साफ सुथरा का, यही क्या यही साफ सुथरा का उपलब्धियां है ये जरा आप बताइए। आप जो कह रहे हैं विरोधियों द्वारा आपको फंसा दिया, हाँ, बिल्कुल। आपका 2 बार कैरियर में जब आया, जब सिलेक्शन होने वाला था विजय हजारे ट्रॉफी जी, और एक और देश के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में आपका सिलेक्शन होने वाला था, उस वक्त भी आप जेल गए, वो क्या मामला था, क्या लगा? देखिए जब भी मामला होता है, जब भी मैं राजनीति में अपनी मजबूती व्याख्या करता हूँ, मजबूती के साथ खड़ा होता हूँ, तो 2016 में 17 में मेरी अम्मी उठने वाले जा रही थी, क्योंकि 17 में नगर परिषद का चुनाव था, तो 16 में राधे हट्टे वाला सस्पेक्ट केस लगा गया, जिसमें मैं पूरी तरीके से फारिक हो गया हूँ। मैं जरा बोलूंगा, मेरा वो पेपर लेके आओ, सस्पेक्टेड उसमें तो सस्पेक्टेड में रखा गया था, सीबीआई ने आपको क्या किया? अभी शक के आधार पे, शक में तो आप भी आ जाइएगा, प्रूफ तो कोर्ट ना करना होगा, प्रूफ कोर्ट में देना पड़ता है। अच्छा, आज तक जितने मामले हुए उसमें कुछ साबित भी हुए क्या? कुछ भी में साबित नहीं, जीरो में है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हम खास तो सिवान की मीडियो से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि मेरी असली चरित्र को दिखाने का काम किया जाए, मैं यही जरूर चाहूंगा। और मेरे वजह से जिस पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, जिस नेता को बदनाम किया जा रहा है, आप देखिए अगर इस तरीका से मैं जेल जाता हूं अग्निवीर जैसे जनता के लिए, तो मैं 50 केस खाने के लिए तैयार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं भाई, मैं लड़ने। आपने तो खुद अपने अग्निवीर में मैं जेल गया, सारे लोग जानते हैं, तो अग्निवीर साफ सुटर करता है, सामान समारोह साफ सुटर करता है, बच्चों को खिलाने वाला साफ सुटर करता है, ये सिर्फ टीआरपी मीडिया द्वारा ही किया गया है, क्योंकि मीडिया ही हमको, अगर मैं वांटेड हूं तो मैं वांटेड हूं तो नगर थाना ने वांटेड क्यों नहीं आपको बताया, नगर थाना में जो केसेस है उनको वांटेड क्यों नहीं बताया? सभी मीडिया को क्यों आरोप कर रहे हैं? सभी नहीं, जो मीडिया कर्मी आपके सर में को दिखाया जाता है, कभी क्रिकेटर के रूप में, कभी समाज सेवी के रूप में, तो फिर समाज भ्रमित हो जाती है, तो फिर समाज से क्या कहना चाहेंगे? समाज से कहेंगे कि सबसे पहले तो आप ही ने मुझे सेल्फिश लेने का काम किया था अभी पार्टी में, तो आप मुझे किस ओर से देखने का काम किया था मुझे, तो समाज क्या मुझे और माफी नहीं मांगते हैं। जो भी चैनल हम चलाए हैं, सारे चैनलों को मैंने पेन ड्राइव में जो बोला है, जो भी चाहे एबीपी हो, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो और पोर्टल न्यूज हो, जो भी इस तरीके का हरकत किया है, मैं उनसे अगर मैं स्पष्टीकरण लूंगा, लीगल नोटिस करूंगा, मनहानी का केस करूंगा, मैं बैठने वाला में से नहीं। आपको लगता है मेरे जान की धमकी देने के बाद भी मैं रोड पे घूमने का काम कर रहा हूं, लोगों की मदद करने का काम कर रहा हूं, समाज में और अच्छा बेहतर काम करने का कर रहा हूं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, सुन लीजिए मैं आपको मेरी बात, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। पिछले में तो अरे भाई जो महान व्यक्ति है, पिछले कई रूप से लोग जानते हैं, लोग चर्चा करते हैं, बिल्कुल क्या हकीकत है, कहीं सब झूठी बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं। अगर झूठ अगर ये ऐसी चीजें रहती तो मैं क्या आपके सामने ये रहता, मैं जेल में रहता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब इन सब चीजों से कैफ और बंटी डर जाएंगे आगे का सफर? मैं मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा, और मैं चैलेंज करता हूं जो मीडिया वाले मेरे छवि को धूमिल किए हैं, मैं उनको कड़े रूप से चैलेंज करता हूं कि मुझे बताएं कि शहाबुद्दीन साहब के साथ जिनके ऊपर से मेरा टैग लगा, जिन्होंने मुझे बताया कि इन्हीं के साथ टूटर है, एक भी केस बताएं उनके साथ कौन सा केसेस है, और जो इन महान व्यक्ति राजदेव भैया का जो हत्या किए उनका भी उजागर कीजिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। लेकिन उनसे तो आपके बहुत अच्छे संबंध, मेरे राजदेव भैया आइकॉन थे, यही तो सबसे बड़ा विडंबना है सिवान में कि जो मेरे अच्छे लोग होते हैं उनके ही चक्कर में मुझे मार देता है कोई और फंसा देता है कोई, ये तो सिलसिला चल रहा है। आपके पास मैं बोलूं कि क्रिकेटर चोर है, तो आप किस क्रिकेटर को चोर मानिएगा? जो इस तरह का होगा, तो आपने बोला पत्रकार, तो सब पत्रकार टारगेट कर रहे हैं, सारे पत्रकार, जो पत्रकार मेरे छवि को धूमिल करता है, जो पत्रकार मेरी वीडियो को ऐसे चीज को दिखाता है, जो मुझे साफ टूटर कहता है, मैं उनको तो मैंने बोला नहीं कि पोर्टल चैनल में मैंने लिस्ट बना दिया है, वो कोर्ट में पेश करूंगा, आपने तो सब मैंने लिस्ट बना लिया है, वो मैं कोर्ट में पेश करूंगा। ये देखिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ये 362/2016 दिनांक 13, इसमें
रोहित कुमार को चार्जशीट किया गया है, लडन मिया को चार्जशीट किया गया है, विजय कुमार को चार्जशीट किया गया है, ऋषि कुमार को चार्जशीट किया गया, रजेश कुमार को चार्जशीट किया गया है, सोनू कुमार को चार्जशीट किया गया है और एक और आदमी को चार्जशीट किया गया है। मैं आप समझ सकते हैं जो चार्जशीट मेरे नाम के चार्जशीट कहां है, कैसे नाम कौन है जो नाम जो सीबीआई जिसके लिए आई थी, जो सीबीआई जिसके लिए आई थी उनका नाम, मैं मरने वाला का नाम नहीं लेगा जो चीज बता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भाई मैं खिदमत करने लायक नहीं हूं, मैं खिदमत नहीं कर सकता हूं। मेरी वाइफ मेरे भाई परेशान है यार, बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है यार, ये जब से ये तमाशा हो रहा है उसको उसको माइग्रेन हो गया भाई, माइग्रेन इसी, फिर 2016 में शादी हुई, वही परिस्थिति आ गई भाई। क्या मैं आजाद नहीं हूं, मैं सब मैं किसी के अंडर में काम करूं, मतलब राजनीति की शिकार नहीं कर रहा, ये एक व्यक्ति विशेष प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए पूरे जिला में किसी को प्रताड़ित किया, आप ही क्यों? क्योंकि मैं बहुत मजबूत कड़ी में आ गया हूं। अगर मैं 6 महीने पहले रहता तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव से मैं बैठ के बात करता, तेजस्वी यादव से मैंने बैठ के बात की, तेजस्वी यादव कितनी अच्छी अच्छी बातें कही कि जो युवाओं बढ़ते हैं उनको बढ़ाने का काम किया, और आप मजबूती के साथ बढ़िए, पीछे का चीज मत देखिए। आपने राजद ज्वाइन कर लिया है तो क्या लगता है विरोधियों को ये चीज रास नहीं आ रही है क्या? विरोधियों नहीं, जो आदमी जो यहाँ पे लोग जिस तरीके का काम कर रहा है उनको रास नहीं आ रही है, और यही वजह है कि बीजेपी वाले उनको मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, मैं एक सिपाही हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, और मैं उसके साथ भरपूर सहयोग करूंगा, भरपूर मदद करूंगा। विरोधियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अपने विरोधियों को सलाह देना चाहते हैं कि तुम जितना लिखना है लिखो, जितना करना है करो, कुछ भी होने वाला नहीं है, मुझे पूरे अपने अल्लाह पे भरोसा है। अगर मैं गलत होऊंगा तो निश्चित ही मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और मैं अच्छा होऊंगा तो मुझे कोई रुका नहीं। टारगेट कर रहा है उन लोगों, मैं उनको क्यों टारगेट करूं, मेरी क्या हैसियत है भाई? मैं उसे नहीं हूं, मैं क्रिमिनल गुंडा थोड़ी उनको टारगेट करूंगा, मैं अपने गोली से और अपने लिखित से ही जवाब दूंगा। जो हमको टारगेट करता है, एक मैं चाहता हूं जो मुझे टारगेट करता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप मुझे टारगेट कीजिए, मेरा टारगेट मेरी जमात है, मेरा टारगेट मेरी जमात है, मेरा टारगेट राष्ट्रीय जनता दल को ऊंचा करना है, जो छवि लगी है उसको हटाना है, और मैं चाहूंगा राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष के नेता मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मेरा परिवार नहीं मेरे पूरे समाज के लोग साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक फ्यूचर ऑफ बिहार है। भाई मेरे पूरा मैं मेरे परिवार पूरा आरजेडी में था भाई, मेरे अभी भी वोट देने का काम सारा काम हो रहा है। कल से ये प्रकरण चल रहा है उसमें अल्लाह से डरते हैं, शोका भी मिला अल्लाह से डरते हैं ना, किसी से डरने की इस प्रकरण में कुछ सूचना मिला या फिर वो जान रही सड़न हो रहा है, राजनीता दल को धूमे के लिए हो रहा है, नीति एशिया धूमिल के लिए हो रहा है, और ये रोका विरोध नहीं है, ये 2-3 दिन ठोल को जाए, लेकिन जो कार्रवाई होगी कम नहीं होगी। मैं लुआ तो जो पोर्टल में लाया, जो इन बड़े ना सिर्फ मुंह पे है, बिकाऊ अगर अच्छे रहते तो आगे चीज क्यों नहीं जाए, ऐसे क्या होता दिखा रहा है ये उनको, फिर मैं से बोले कहां से मेरे छवि की हत्याकांड जानते हैं स्टडी जो बढ़िया चैनल तो ये एक मिनट टाइम लेता हूं जो मेरे और बोल रहे हैं कि न्यूज वाले ऐसे खो हैं, अगर किसी का रहता तो सबसे पूछते हैं कि जो क्या वो व्यक्ति है, क्या वो मुसलमान है, अगर मुसलमान सीरियस लेना नहीं तो ये हाल है सूरत इसमें, समझिए मुसलमान का क्या नतीजा है। मीडिया आपने हमारे जो इस तरह मीडिया, सब मैं नहीं कह रहा हूँ, सब मीडिया बोल सकता हूँ, ईमानदारी है तो दुनिया बचा है, मैं सब बोल सकता प्यार भी नहीं, जो इस तरीके का हरबर रहे जो चला रहे सार्फ सूट, तो वो उनको प्लीज काइंडली इन्फॉर्म कि भाई मैं सार्फ सूट पर जगा हुआ है, इसका कोर्ट में देना पड़ेगा कायदे लिख, क्योंकि मैं करवाई जा रहा हूँ, लिखित रूप से सारी को तैयार कर लिया हूँ कि ये कहां से साफ भी, अगर आप मुझे दरादे हत्याकांड फिर से कहते हो हत्याकांड में अगर मेरी संलिप्त में साथ हूं, अगर साबित कीजिएगा मैं एक एक बाप उसका एक बात रख लीजिएगा, जिसका एक बाप एक बात याद रख लीजिए, मैं साबित कर दिया जो हत्याकांड में कि मेरी संलिप्तता है, मैं जिंदगी भी राजनीति नहीं करूंगा, या चैलेंज करके साथ करता हूं, लेकिन ये भी चैलेंज कर कि मैं हानि जो भी न्यूज है उनको मैं बेका काम करूंगा।